हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के ऊपर अपने विचार रखने जा रहा हूं और आज का टॉपिक है द एसेंस ऑफ रियलाइजेशन। कभी कभी हम खाली बैठकर अपने दिमाग में अपने पास्ट के इवेंट को सोच रहे होते हैं और उन सब चीज़ों से कुछ रियलाइजेशन होता है कि जो मेरे पास्ट इवेंट्स हुए थे जिनको मैं गलत बता रहा था उनके लिए मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ और वो सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में खुद अट्रैक्ट की थी। जब आप ये सब बातें समझने लगते हैं तब आप दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना बंद कर देते हैं। बट जब पास्ट में वो इवेंट हुआ था तब आप दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से हुआ, ये ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं होने वाला था लेकिन तुम्हारी वजह से हुआ। उस टाइम आपके माइंड का कॉन्शियसनेस मतलब वो सब चीज़ें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब टाइम बीतने लगता है आप उन सब चीज़ों को समझने लगते हैं और आप अपनी गलतियों को सुधारने के पहले स्टेप की ओर बढ़ जाते हैं। वो कब, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उन सब चीज़ों के लिए मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ और ये सब गलतियाँ या ये सब इवेंट मेरी लाइफ में मैंने खुद अट्रैक्ट किए थे। जब आप ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं दिल से, ये नहीं कि सिर्फ बोलने से कि हाँ आई एम सॉरी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, जब आप अपने दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे ना आप दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना बंद कर देंगे। जब आप ब्लेम लगाना बंद कर देंगे आपके दिल की खुशी का लेवल बढ़ जाएगा, आप अपने आप में खुश रहना स्टार्ट कर देंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर देंगे, भला सोचना स्टार्ट कर देंगे और आपके दिमाग के थॉट्स खुद ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले क्या था, मैं खुद अपने लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कुछ पास्ट इवेंट्स हुआ तो दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी वजह से हुआ, ये ऐसे हुआ, तो वो सब माइंड में निगेटिव थॉट्स निगेटिव चलता रहता था कि यार ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब हल्के हल्के ये सब बातों का रियलाइजेशन हुआ तब समझ आया कि ये सब मैंने खुद अट्रैक्ट किए थे और वो सब मेरा इसका रीज़न था निगेटिव थॉट्स। और जब मैंने उन सब चीज़ों को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ उन सब चीज़ों के लिए मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ, तब मेरे माइंड की पॉजिटिविटी, माइंड की हैप्पीनेस और लाइक हाँ पॉजिटिविटी का लेवल हल्के हल्के बढ़ने लगा। अब जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये इन सब चीज़ों के लिए मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ, तब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी बोलना चाहेंगे अपने भगवान से, भगवान के लिए आप मंदिर जाना चाहेंगे, मंदिर चले जाओ, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, अपनी मम्मी के सामने, पापा जी के सामने, अपने हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और एनी रिलेशन, अपने फ्रेंडशिप यानी एनी फ्रेंड के सामने अगर आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया तो आप उससे कहने जाओगे ना कि हाँ भाई वो गलती मेरी थी और इस चीज़ के लिए मुझको माफ़ करना, और फिर दोबारा से अपनी रिलेशनशिप को फिर ठीक से करना चाहोगे। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब कुछ लोगों के बीच में ईगो आती है कि हाँ यार मैं उसके सामने कैसे बोलने जाऊंगा ये सब। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ईगो, मुझे जहाँ तक लगता है वो ईगो नहीं आएगी, आप बोल देंगे। उसके बाद क्या होगा वो सेकंड स्टेप है, पर आप उसको बोल देंगे। आप सबसे पहले जाइए और अपनी गलती को जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भगवान के सामने जाकर आँख बंद कर सिंपल बोल दीजिए, आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी गॉड। अपने मंदिर में, गिरजाघर में, कहीं भी चले जाइए, जिस शक्ति को भी आप मानते हैं उसके सामने आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ वो मेरी गलती थी और मुझको इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए, क्षमा चाहता हूँ। जब आप ये सब करेंगे, ये सब बोलेंगे तो आपके माइंड में खुद पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ, या जो भी आपके जिससे भी आपकी गलती हुई, मम्मी से, पापा से, हस्बैंड से, वाइफ से, किसी भी फ्रेंड से, तो आप उसकी तरफ पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप ये एक्सेप्ट कर देंगे और अगर आपके सामने वाला आपकी गलतियों को माफ़ कर देता है और आपको सेम उसी तरीके से ट्रीट करता है जिस तरीके से वो पहले ट्रीट कर रहा था, आपके साथ सेम बिहेवियर करता है और आपके साथ कुछ चेंज नहीं करता, इस चीज़ के लिए आपको उसका थैंकफुल हमेशा रहना चाहिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए और ख़ुद को ये कहना चाहिए आई एम सो लकी दैट कि मेरी लाइफ में वो सब पीपल्स हैं जो मेरे को पॉजिटिविटी फील कराते हैं और मेरी हर मिस्टेक को वो माफ़ कर देते हैं। और अगर वो आपकी हर मिस्टेक को माफ़ कर रहा है, कभी भी इसको ग्रांटेड मत लीजिएगा। मेरा इसमें यही एक विचार है कि इसको ग्रांटेड कभी मत लीजिए और उसके लिए थैंकफुल फील कीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए अंदर से, वो अंदर से ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को। और ऐसा पीपल कोई भी आपके लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन होता है कि जो आपकी गलतियों को माफ़ करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए उस गलती को सीखने का टाइम देता है। जो आदमी आपको आपकी गलतियों को माफ़ कर दे और आपको आगे बढ़ने के बाद सेम बिहेवियर करता है, उसके लिए आप हमेशा ज़िंदगी भर थैंकफुल रहिए, जिससे कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा
और आप इस चीज़ के लिए बहुत लकी हैं कि आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं आपके कॉलोनी में, आपके सर्किल में, आपके फ्रेंड सर्किल में, कि ऐसे पीपल्स हैं, क्योंकि उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपको माफ़ किया है, वो भगवान है, आपका फ्रेंड है या जो भी है, उन्होंने आपके लिए कोई सेल्फिशनेस नहीं रखी, आपने उनके लिए सॉरी बोला और उन्होंने अपनी लाइफ का टाइम दिया, अपनी लाइफ का टाइम दिया जिससे कि आप गलती को महसूस कर सको, और उस टाइम पर जब आपने सॉरी बोला उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, इससे ज़्यादा आप और उस लाइफ उस दूसरे पर्सन से क्या चाहते हैं। आप जब भी सॉरी बोलने गए, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 दिन बाद, उसने माफ़ कर दिया और आपके साथ वो आज भी सेम बिहेवियर कर रहा है, इस चीज़ के लिए उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, और अपने आप को डेली आई एम सो लकी बोलिए कि मेरे पास ऐसे ऐसे पीपल्स हैं, और आप देखेंगे आपकी किसी भी टाइप की रिलेशनशिप हो उसमें खुद ही खुद चेंजेस आने लगेंगे, पॉजिटिविटी आने लगेगी, और आपकी रिलेशनशिप का एक नया सा एकदम नया रिलेशनशिप बनकर आएगा, जिस चीज़ को आप आसानी से एकदम मस्त होकर जियेंगे, और उसमें लाइक अलग ही पॉजिटिविटी आएगी। ये मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप सबके लिए थैंक यू, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, आप लोगों के प्यार से सब्सक्राइबर से मिले और मेरा चैनल बढ़ने लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अगले टाइम फिर आपसे मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।